चबारा के बाद गडगोर और गडगोर से गुजरा में इस वक्त, और रूट मेरा यही रहेगा, सड़क यही सीधी जाएगी, ट्रैक्टर ट्रालियां और ट्राली यहाँ पे खड़े हैं। ये ट्राला शायद सीमेंट उतार रहा है। बाएं तरफ पान शॉप है, इकराम पान शॉप, और ये दो बेंच हैं सीमेंट के बने, जिन पर खातून है, साथ सामान है, छोटे बच्चे हैं, और इसके अलावा दो आदमी बैठे हैं किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हुए। और आगे मिट्टी है रास्ते में, गुब्बार उड़ रहा है, मिट्टी उड़ती हुई। दाएं तरफ पेट्रोल पंप है, किसी एक्शन प्लस नाम है ब्रांड का। बाहर जो टावर लगा है, बोर्ड लगा है, उसके ऊपर तो PSO लिखा है, लेकिन अंदर एक्शन प्लस दी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेरे दाएं तरफ है गडगोर का। और जनाब ये हम आ गए गडगोर से बाहर। सड़क तो वैसी ही है, शुरू से टूटी फूटी। कहाँ से शुरू हुई है ये टूटी सड़क? ये शुरू हुई है किंगरा मोड़ से, गालबन शुरू हुई है। उसके बाद ये चारवा तक, और चारवा से नीचे ये गडगोर तक अभी तक मुझे साफ सड़क नहीं मिली। ओए इत्तफाक मार्बल फैक्ट्री गडगोर मेरे बाएं जानिब है। अब सब्ज खेत है मेरे दाएं तरफ, सड़क के बाएं तरफ खातून, मिट्टी से भरी ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली, पुलिस वाला CG 125 पे यूनिफॉर्म में, लोडर रक्षे पे छलियां बेचने वाला आदमी, सामने से जनाब एक बड़ी मुसाफिर बस आ रही है। रास्ता मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी इतने खड्डे हैं कि किसी तरफ भी चलो साफ सड़क है ही नहीं। दाएं तरफ मेरे है दीवाने खास, जाहिर है ये कोई मैरिज हॉल होगा। बाएं तरफ मेरे कोई दरबार है, शायद मस्जिद है, कुछ लिखा नहीं हुआ। और मोटरसाइकिल हो रहा है बंद। रास्ता काफी ज्यादा खराब है यहाँ से।94% ऐसा लगता था मुझे जैसे जो मोटरसाइकिल का चार्जर है वो देर से चार्ज करता है चीज़ों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहाँ से बैटरी मैंने लगाई थी चार्जिंग पे, शायद गालबन मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे पहले लगाई थी, और मैं सोच रहा था कि ये चार्ज हो ही नहीं रही। मैंने चेक की है तो 94%
इट्स मीन कि वो चार्ज हो रही थी और अनकरीब उसने 100% हो जाना था। मीरा लजपाल और ऑटो वर्कशॉप है ये, जामिया गौसिया करके भी कुछ है बाएं तरफ कोई मदरसा, और मैं फिर एक कस्बा सा है कोई, ये है अल्लाहू ऑटो वर्कशॉप और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ से भी बाहर। दाएं तरफ ईंटों का भट्टा है जो कि बंद है, बुजुर्ग साइकिल पे सामान लादे हुए आ रहे हैं, चिंची रिक्शा जा रहा है, सामने एक आदमी है जिसने दोनों हाथों से सपोर्ट ले रखी है, और अब ये थोड़ा सा हिस्सा सड़क का ऐसा है कि जिसमें खड्डों को बचा के गुजरा जा सकता है। मेरे मोटरसाइकिल का शायद चैन कवर है जो अपनी आवाज़ करता है, ये शायद लूज है। से आल्टो आ गई एक, बाएं तरफ मेरे बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है, गंदों का कोई गोदाम भी है शायद, अड़त है साथ उसके बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है। सड़क का थोड़ा सा हिस्सा साफ था, आया तो मैंने थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है कि चलो ये रास्ता क्लियर हो। CG 125 बाएं तरफ सेंट्री की दुकान, और मेरे पास धुएं की बदबू है, वो इतना बड़ा ट्रॉला और वो भी सड़क के बीच, बेशरम, छोटा सा खड्डा बचाने के लिए इतने बड़े ट्रॉले को पूरी सड़क के बीच में ले आया।